दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी के बाद आया यशस्वी जायसवाल का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के पहले ही दिन रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को परेशान किया। तो वहीं बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपने बल्ले से रनों की बारिश करते हुए ऐसा तूफान ला दिया जिसके सामने इंग्लैंड की टीम घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। तो आखिरकार कैसे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी के बाद भारतीय बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में कौन महान बल्लेबाज है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान इंग्लैंड की टीम की तरफ से टॉम हार्टली को डेब्यू करने का मौका मिला। तो दूसरी तरफ से भारतीय टीम 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर आई। वहीं विराट कोहली की गैर मौजूदगी में विकेटकीपर श्रीकर भरत को खेलने का मौका मिला। हालांकि जब मैच शुरू हुआ तो इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए जैक कैरोली और बेन डेकेट आते हैं। वहीं गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की। इस दौरान जैक कैरोली ने उतरने के साथ पहले ओवर में अपना और अपनी टीम का खाता खोला, तो दूसरी ओर से मोहम्मद सिराज के सामने जैक कैरोली ने तहलका मचा दिया। इस दौरान जैक ने 2 चौके पहली ही 2 गेंदों पर लगाकर बता दिया कि आज इसी अंदाज में तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। हालांकि इस ओवर के अंदर 8 रन आए, तो दूसरी तरफ से दोनों गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए विकेट निकालने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बल्लेबाज अलग अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर 8 ओवर की समाप्ति तक दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 40 रन बटोरे। लेकिन इसी बीच 9वें ओवर में गेंदबाजी के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने स्पिन गेंदबाज को बुला लिया। इस दौरान उन्होंने स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए बुलाया, जिन्होंने मेडन ओवर के साथ शानदार शुरुआत की। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी के लिए 10वें ओवर में आए रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर के अंदर मात्र 1 रन दिया। लेकिन इसी बीच 11वें ओवर के अंदर भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड में 50 रनों का आंकड़ा पार किया और दोनों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी हो गई। लेकिन इस बीच 12वें ओवर में 55 रनों के स्कोर पर रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। इस बीच रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बेन डेकेट को बाहर जाती हुई गेंद पर LBW आउट किया। हालांकि इस बल्लेबाज को अंपायर ने आउट किया, लेकिन बल्लेबाज ने रिव्यू लेकर फैसले को बदलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अंपायर कॉल होने के कारण बल्लेबाज को जीवन दान नहीं मिला और बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ा, जहां पर बेन डेकेट 39 गेंदों पर 7 चौके की मदद से 35 रन बनाकर LBW आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ओली पॉप मैदान पर आते हैं, जिन्होंने 1 रनों के साथ अपना खाता खोला, लेकिन 2 स्पिन गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी कर काफी ज्यादा दबाव पैदा किया। लेकिन इस बीच 15वें ओवर के अंदर रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी और इस दौरान उन्होंने ओली पॉप को 11 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान रविंद्र जडेजा ने बाहर जाती हुई गेंद पर बल्लेबाज पॉप को स्लिप में मौजूद रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया और अब बल्लेबाजी के लिए जो रूट मैदान पर आए। हालांकि जो रूट को इसी ओवर में LBW आउट करने का प्रयास किया, हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने DRS लेकर फैसले को बदलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन यहां पर भारत का DRS व्यर्थ चला गया। हालांकि अब अगले ही ओवर में गेंदबाजी के लिए आए रविचंद्रन अश्विन ने अब भारत को तीसरी सफलता दिला दी। इस बीच उन्होंने जैक कैरोली को लंबी गेंद पर मिड ऑफ पर खड़े मोहम्मद सिराज के हाथों शानदार कैच के चलते कैच आउट करा दिया, जहां पर अब जैक 40 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 20 रन बनाने के बाद पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जॉनी बेरस्टो आते हैं और ऐसे में 5 रनों के भीतर भारत के 3 विकेट गिर जाने के बाद जॉनी बेरस्टो और जो रूट ने टीम को संभाल लिया। तो वहीं 60 रनों पर 3 विकेट गिर जाने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन इस बीच गेंदबाजी के लिए आए 5वें गेंदबाज के रूप में अक्षर पटेल ने 21वें ओवर के अंदर 1 चौके की मदद से 6 रन दिए और इस बीच 26वें ओवर में 100 रनों का आंकड़ा इंग्लैंड की टीम ने पार किया और इसी के साथ 28 ओवर की समाप्ति तक दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड को लंच की समाप्ति तक 108 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। वहीं जब दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो दूसरी ही गेंद पर दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई। लेकिन इसी बीच 33वें ओवर में 61 रनों की साझेदारी को अक्षर पटेल ने तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने जॉनी बेरस्टो को 58 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 35 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया था और ऐसे में अब 121 रनों पर 4 विकेट गिर जाने के बाद टीम को संभालने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक आते हैं, जिन्होंने जो रूट के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रयास किया। इस दौरान कप्तान बेन स्टोक ने 1 रनों के साथ अपना खाता खोला, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे जो रूट ज्यादा देर तक टीम को संभाल नहीं पाए और 36वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े बुमराह के हाथों कैच आउट हो गए। इस दौरान जो रूट ने 7 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 29 रनों का
योगदान दिया। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने फॉक्स मैदान पर आए थे, जो कि 43वें ओवर में 24 गेंदों पर 4 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर विकेटकीपर श्रीकर भरत के द्वारा कैच आउट हुए। और अब बल्लेबाजी के लिए रेहान अहमद आते हैं, जो कि 18 गेंदों पर एक चौके की मदद से 13 रन बनाने के बाद विकेटकीपर के हाथों जसप्रीत बुमराह की गेंद पर 49वें ओवर में कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने टॉम हार्टली आए, जो कि 24 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाने के बाद रविंद्र जडेजा की गेंद पर 55वें ओवर में क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने मार्कवुड आते हैं और 59वें ओवर में दूसरे सत्र की समाप्ति तक 215 रन 8 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने बना दिए थे। लेकिन इस बीच अंतिम सत्र में 61वें ओवर के अंदर कप्तान बेन स्टोक ने लगातार 2 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इस बीच 62वें ओवर में मार्कवुड 24 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 11 रन बनाकर रविचंद्रन अश्विन के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए थे। इसके बाद अब अंतिम बल्लेबाज जैक लीच मैदान पर आते हैं, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे कप्तान बेन स्टोक 65वें ओवर में जसप्रीत बुमराह के सामने 88 गेंदों पर 6 चौके और 3 छक्के की मदद से 70 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट दे दिए। और इसी के साथ 64.3 ओवर में इंग्लैंड की टीम ने 246 रन ऑल आउट होकर बना दिए थे, जहां पर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने 3-3 विकेट लिए, तो वहीं जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले। वहीं भारतीय टीम जब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आई, तो भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने चौके के साथ अपना खाता खोला था। पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका मार दिया और दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपना पहला मैच खेल रहे टॉम हार्टली के सामने 2 छक्के लगाकर तहलका ही मचा दिया। और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 51 रन बिना विकेट खोकर बनाए थे। और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि भारत 120 रन 1 विकेट के नुकसान तक तो बना ही देगा। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी को देखकर खुश हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी को देख पाकिस्तान के दिग्गज भी हुए हैरान। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। इस बीच वसीम अकरम, इंजमाम उल हक से लेकर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ने भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी किया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी को देख पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या बयान दिया, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में से कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर और स्पिनर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद के मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने के लिए आई। इस दौरान इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन पर अपना पहला विकेट दिया और अपने अगले 5 रन के अंदर 3 विकेट दे दिए। हालांकि पहले सत्र में 3 विकेट गिर जाने के बाद 108 रन के बाद दूसरे सत्र के अंदर भी शानदार गेंदबाजी के जरिए 4 विकेट गिर गए। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल तीनों ने 2-2 विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से तीनों स्पिन गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी को देखकर हर कोई दंग रह गया। इस बीच पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों ने बड़ा बयान जारी कर दिया है।